नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और कटिहार में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक 68% कटिहार में हुआ मतदान। आज के मतदान के बाद तारिक अनवर, जयप्रकाश नारायण यादव और संतोष कुशवाहा समेत 68 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ सील। और काल वैशाखी के कारण बना सिस्टम कमजोर पड़ने से मौसम में हुआ बदलाव। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और कटिहार में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि 2014 की तुलना में इस बार 0.6% अधिक मतदाताओं ने वोट डाला है। कटिहार में सबसे अधिक 68% मतदान रिकॉर्ड किया गया। 64% से अधिक मतदान किशनगंज में हुआ। पूर्णिया में 65%, बांका में 58% और भागलपुर में 58% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बांका संसदीय क्षेत्र के शंभुगंज स्थित एक मतदान केंद्र पर दो पक्षों के बीच झड़प के बाद उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक लोग बोगस वोटिंग की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो वे हंगामा करने लगे। इसी दौरान दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसे देखते हुए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस बीच अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। मतदान के दौरान कुछ अन्य स्थानों से भी ईवीएम के खराब होने के कारण मतदान में थोड़ी देर के लिए बाधा पहुंचने की खबर मिली, जिसे शीघ्र ही दूर कर लिया गया। कटिहार के फलका स्थित मतदान केंद्र संख्या 39 पर मतदाताओं ने कुछ लोगों द्वारा विशेष दल के पक्ष में मतदान का दबाव बनाने का आरोप लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अमौर स्थित ज्ञानडोब में वार्ड 12 और 13 के मतदाताओं ने विकास कार्य नहीं होने के कारण वोटिंग का बहिष्कार किया। बाद में सेक्टर मजिस्ट्रेट के मनाने के बाद ग्रामीणों ने मतदान में हिस्सा लिया। इसी जिले के बनमंखी स्थित बूथ संख्या 26 और 27 पर दल विशेष के समर्थकों द्वारा कब्जे की शिकायत मिली। इसके बाद निर्वाचन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित फलका में भीषण गर्मी के कारण लाइन में खड़ी एक महिला मतदाता बेहोश हो गई। आज के मतदान के बाद कुल 68 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इनमें कांग्रेस के तारिक अनवर, राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व सांसद पुतुल कुमारी, राज्य के पूर्व मंत्री दुलालचंद गोस्वामी, निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व सांसद उदय सिंह और पूर्व मंत्री मोहम्मद जावेद जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 6,10,00,000 रूपये नकद जब्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल से लगी सीमाओं के पास से 33,00,000 रुपए मूल्य के नेपाली करेंसी भी जब्त की गई है। वहीं 56,000 लीटर शराब, 90 किलो गांजा, 4.5 किलो चरस और 13.5 किलो अफीम बरामद की गई है। राजद के विक्षुब्ध नेता अली अशरफ फातमी ने आज मधुबनी संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भर दिया। श्री फातमी ने कल ही राजद की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर एनडीए गठबंधन की ओर से भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव और महागठबंधन की ओर से वीआईपी के बद्री कुमार पूर्वे चुनाव मैदान में हैं। इधर कांग्रेस के बागी शकील अहमद ने भी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा है। मधुबनी संसदीय सीट पर 5वें चरण के तहत 6 मई को मतदान होगा। प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। तीसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में 23 अप्रैल को मतदान होगा।
विभिन्न दल और गठबंधन के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुपौल के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के लिए लोगों से समर्थन की अपील की। सभा को लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। दोनों मंत्रियों ने दावा किया कि एक बार फिर भारी बहुमत से केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। उधर खगड़िया संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया और रोड शो किया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने वाल्मीकि नगर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पांचवें चरण के तहत सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में 6 मई को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन दाखिल करने का कार्य सम्पन्न हो गया। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 अप्रैल तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन के अंतिम दिन आज मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं शिवहर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी फैसल अली ने आज मोतिहारी समाहरणालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। शिवहर में 6 चरण में 12 मई को मतदान कराया जाएगा। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पंकज मोहन सिंह और चौरसिया एम कुमार ने भी अपना अपना पर्चा भरा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना की अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया है। भारतीय दंड विधान की धारा 500 के अंतर्गत पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में यह मामला दर्ज किया गया है। श्री मोदी ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के समीप कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी टाइटल वाले व्यक्तियों की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने कहा कि यह एक आपराधिक मामला है और इसके लिए न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। सीतामढ़ी के निवर्तमान सांसद और रालोसपा के विक्षुब्ध नेता रामकुमार शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कोटे की सभी सीटों पर पैसे लेकर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अपना अलग गुट बना चुके रामकुमार शर्मा ने कहा कि वे और उनके साथी केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रालोसपा के 2 विधायक सहित पार्टी के कई बड़े नेता उनके साथ हैं। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने आज स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए महिला पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों और महिला ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया। काल बैशाखी के कारण बना सिस्टम कमजोर पड़ जाने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम में फिर से परिवर्तन आया है। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दरभंगा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। पटना और गया समेत दक्षिणी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रेलगाड़ियों पर उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की घटना में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे नई तकनीक अपनाने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि ट्रेनों में अब विनाइल कोट वाले शीशे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से पत्थरबाजी की घटना में शीशे टूटकर नहीं बिखरेंगे और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं होगा। आज विश्व विरासत दिवस है। इस अवसर पर पटना संग्रहालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संग्रहालय में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल देश के 25 प्रमुख स्थलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। और अब अंत में मुख्य समाचार।
छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किशनगंज पूर्णिया भागलपुर बांका और कटिहार में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक 68% कटिहार में हुआ मतदान। आज के मतदान के बाद तारिक अनवर, जयप्रकाश नारायण यादव और संतोष कुशवाहा समेत 68 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ सील। और काल वैशाखी के कारण बना सिस्टम कमजोर पड़ने से मौसम में हुआ बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Valsa Williams. Polling in 95 parliamentary constituencies spread over 11 states and one union territory was held today under the second phase of general election. Voting was held for 38 seats in Tamil Nadu, 14 in Karnataka, 10 in Maharashtra, 8 in Uttar Pradesh, 5 each in Assam, Bihar and Odisha, 3 each in Chhattisgarh and West Bengal, 2 in Jammu and Kashmir and 1 each in Manipur and Puducherry. Voting also took place for 35 assembly seats in Odisha and 18 in Tamil Nadu. In West Bengal, around 72% polling has been reported till 5 p.m. for three parliamentary constituencies of Jalpaiguri, Raiganj and Darjeeling. In Bihar, over 56% polling has been recorded for five Lok Sabha constituencies till 5 p.m. Maximum 60% voting was recorded in Kishanganj parliamentary constituency. In Tamil Nadu, around 52% polling was recorded till 3 p.m. for 38 Lok Sabha seats. Karur recorded the highest voter turnout at around 57%, while Chennai Central clocked the lowest with nearly 45%. In Jammu and Kashmir, over 38% votes were polled for two parliamentary constituencies of Udhampur and Srinagar till 3 p.m. In Udhampur constituency, which is spread over six districts, around 64% polling was recorded in Kathua. In Srinagar constituency, around 17% polling was recorded in Badgam district. Today was the last date for filing of nominations for the fifth phase of Lok Sabha elections. 51 constituencies spread over seven states will go to polls on the 6th of May. Scrutiny of nominations will be held on Saturday. Monday is the last date for withdrawal of candidature. Meanwhile, political leaders including Prime Minister Narendra Modi, BJP Chief Amit Shah, Congress President Rahul Gandhi held election rallies in different parts of the country. Addressing a rally at Amreli in Gujarat, Mr. Modi said his government managed to contain terrorism to only 2.5 districts in Jammu and Kashmir and no bomb blast took place elsewhere in the country in the last 5 years. He said what he learnt as the Gujarat chief minister helped him during the long Doklam standoff with China in 2017. Congress President Rahul Gandhi addressed rallies at Badayun in Uttar Pradesh. The Election Commission has warned senior BJP leader and Union Minister for Minority Affairs, Mukhtar Abbas Naqvi, to desist from using references to defence forces for political propaganda. The warning came on the leader's remarks during a public meeting at Rampur in Uttar Pradesh on the 3rd of this month. In its order, the Commission said it is convinced that the remarks are not in line with its multiple advisories to political parties, candidates and campaigners to desist from indulging in any political propaganda involving activities of defence forces. The poll panel asked Mr. Naqvi to be careful in future. One more Bangladeshi actor, Ghazi Abdul Noor, who attended a political rally at Dum Dum in West Bengal, has been asked to leave India. Sources in the Home Ministry said his visa had already expired. The Ministry said appropriate action is also being taken regarding his overstay in contravention of visa validity. A Delhi court today dismissed the bail plea of Christian Michel to celebrate Easter with family, an alleged middleman in the Agusta Westland chopper deal scam. Michel is in custody and is being probed by both Enforcement Directorate and CBI. Special Judge Arvind Kumar rejected his interim bail plea for 7 days. In Pakistan, unidentified gunmen shot dead at least 14 passengers after forcing them to disembark from a bus on a highway in Balochistan province today. 15 to 20 unidentified gunmen in camouflage uniform
reportedly stopped 5 or 6 buses travelling between Karachi and Gwadar. They stopped the bus on the Makran Coastal Highway in Balochistan's Urmara area, checked the identity cards of passengers and offloaded about 16 of them. 2 passengers managed to escape. Pakistan's Finance Minister Asad Umar abruptly quit the cabinet today before securing a multi-billion dollar International Monetary Fund bailout package for the cash-strapped country. In IPL cricket, Delhi Capitals will take on Mumbai Indians at Firoz Shah Kotla Stadium in the National Capital today. And with that, we end this news bulletin.